रियांश, आपको क्या खाने को चाहिए? सेव परवल खाने को चाहिए। सेव पसंद है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रोहित जैन इंदौरी एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे और आज सोचा था मॉर्निंग जो होगी थोड़ी लेट होगी, बट भूख लग गई और इतनी भूख लगी कि नींद ही खुल गई। और अभी बज रहे हैं 9 और आज है सैटरडे, तो आज कुछ ऐसा प्लान नहीं है कहीं पे भी जाने का, बिकॉज़ लास्ट 2-3 वीक्स से हम कहीं ना कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर घूम ही रहे हैं। तो आज नो ट्रैवलिंग, नो वेयर टू गो, एंड जस्ट हम आज घर पर चिल करेंगे, घर पर रिलैक्स करेंगे और कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो अब भूख लगी गई है, तो फटाफट से अब करते हैं ब्रेकफास्ट। रियांश, आपको क्या खाने को चाहिए? सेव परवल खाने को चाहिए। सेव पसंद है? सेव अपना इंदौरी सेव है। गिफ्ट ऑर्डर करूं? क्यों भैया, क्यों अभी क्या है? अच्छा है गिफ्ट है, स्केट्स। अरे हाँ, डेढ़ा तो भूल ही गए आपका स्केट्स ऑर्डर करना। ठीक है, डेढ़ा कर देंगे ऑर्डर स्केट्स। ओके तो अभी हम जा रहे हैं पालक लेने के लिए। आज घर पे बनने वाला है पालक पनीर। रेयांश चले? हाँ। और ये देखिए भाई साहब ने हेलमेट लगा लिया है मेरा। नहीं ना, मेरे को भी पहनना थी ना, तो मेरे को लग ही नहीं ना सिर पे। ओके, गुड बॉय। तो मैंने रेयांश को बोला कि फटाफट से पढ़ाई कर, फिर कार वॉश के लिए लेके जाऊंगा। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कार वॉश के लिए नहीं लेके जाऊंगा। सुनिए रेयांश क्या बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं सर आप? अच्छा, एक्स मिलेगा। एक्स क्या होता है? एक्स आपको मिलेगा। एक्स क्या होता है? एबीसी एक्स होएगा आपको। एक्स होएगा? नहीं, ठीक है, मैं कार वॉश के लिए नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा, यस, वो गंदी बात है। फिर आपको एक्स ही एक्स मिलेंगे। एक्स एक्स? हाँ। क्या होता है एक्स से, क्या हो जाएगा? एक्स आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको पनिशमेंट देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, आज पालक पनीर बन रहा है। तो अभी पालक को बॉईल किया है और पानी में से पालक को निकाल कर ये मिक्सर के जार में डाला है। अब इसको ग्राइंड करेंगे और ये पनीर की ग्रेवी बनते हुए, और ये पालक पनीर रेडी। तो अभी लंच हो गया है और पालक पनीर बड़ा ही ज़बरदस्त बना था, एक नंबर बना था। बिल्कुल मन तृप्त तृप्त हो गया और यहाँ तक भर गया है। एक रोटी एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती खिलाई। मैं मना कर रहा था कि मेरे को एक रोटी अब नहीं खाना है, बट एक रोटी ज़बरदस्ती खिलाई। अगर नहीं खाओगे तो सुनने में आएगा कि ये सब्जी अच्छी नहीं बनी है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेना चाहिए चुपचाप। ओके, और अब करते हैं फटाफट से नहाई नहाई और फिर जा रहे हैं कार वॉश के लिए। तो रेयांश क्या बोल रहे थे? थैंक यू दादा। कौन सा फोटो? फोटो खींचो था इसलिए। थैंक यू दादा। ओह माय गॉड, डेढ़ा को 2 मिनट्स लेट नहीं थे ना बेटू? नहीं ना, फिर ना डॉक्टर से पिटी करना है क्या? नहीं करना है तो उठ जा। तो डॉक्टर मेरी क्यों पिटी करेंगे? नहीं ना, उठ जा, फिर शाम ही है। अभी शाम है? हाँ, धूप आई है। धूप आई है अभी? हाँ। तो दोपहर है। नहीं ना, मेरा दांत दिन भर ये दुख। ओके, तो अभी अपन बस चलने वाले हैं अब डॉक्टर के पास, आपका टीथ क्लीन कराने के लिए। फिर आप क्यों सो रहे हो? मैं बहुत गुस्से में। गुस्से में? हाँ। दिख तो नहीं रहा? हाँ, जल्दी उठो तो मैं गुस्से में हूँ। तो मैं अभी आया हूँ डेंटिस्ट के यहाँ पे रेयांश को लेकर। एक्चुअली उसके जो टीथ है, उसका जो राइट अपर कॉर्नर का टीथ है, उसमें बहुत कैविटीज़ हो गए हैं और पूरा जर्म्स से इन्फेक्ट हो गया है। सो अभी उसके क्लीनिंग के लिए आए हैं। और दूसरे भी टीथ्स हैं जो अपर लेफ्ट कॉर्नर के हैं और फ्रंट टीथ है, तो थोड़ा ज़्यादा कैविटीज़ हो रही है उसके टीथ में। तो अभी 10 से 15 सेटिंग्स एक्चुअली उसकी लेनी पड़ेगी पूरे टीथ की रिकवरी के लिए, और क्लीनिंग एंड रूट कैनाल एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। सो होपफुली इट विल गो गुड। तो हम लोग घर आ गए हैं और रेयांश का फर्स्ट सेटिंग हो गया है। रेयांश को फर्स्ट एनेस्थीसिया देना पड़ा उसके टीथ में, यहाँ पर जहाँ पर पेन हो रहा था, और फिर उसके बाद उसका पूरा क्लीन किया।
एंड उसके बाद उसके वो टीथ की फिलिंग करी है, तो अभी फर्स्ट सिटिंग हुई है। फिर 2 डेज़ के बाद वापस से उसका चेकअप के लिए जाना है और फिर कंप्लीट रूट कनाल होगा उसके टीथ का, जो उसका राइट कॉर्नर का पेन हो रहा था। होपफुली उसके बाद उसको उस टीथ में जहाँ पे पेन हो रहा था वो पेन ना हो, बट उसके जो दूसरे टीथ हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा कैविटीज़ है और जो भी जर्म्स वर्म्स इन्फेक्शन है वो क्लीन करके उसमें भी फिलिंग कर देंगे। तो होपफुली ये जब जितने भी सिटिंग्स होंगे उसके बाद उसका टीथ में पेन होना बंद हो जाएगा। बट एज अ पेरेंट्स हम उसको देख रहे थे कि कितना ही रो रहा था, बट और हमें भी होल्ड करने में उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा था और हम भी उसको देख रहे थे बट कितना कितना पेन उसको हो रहा था। तो हम भी अपने आप को कंट्रोल करके रह रहे थे कि इससे तो भी ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए और उसको पेन ना हो, बट करना पड़ता है ये फॉर हिज गुड। तो अभी फ़िलहाल रेयांश सो रहा है, एक्चुअली वो बहुत थक गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेयांश के लिए लस्सी कुल्फ़ी और ठंडी चीज़ें लेने के लिए, बिकॉज़ अभी उसको अभी ट्रीटमेंट हुआ है तो उसको ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ और गर्म चीज़ देनी नहीं है, ठंडी चीज़ रहती है तो उसको थोड़ा सा पेन में रिलीफ रहेगा। तो अभी डॉक्टर ने भी यही रिकमेंड किया है कि उसको आइसक्रीम और कुल्फ़ी या फिर लस्सी ये सब आप दे सकते हैं, तो अभी मैं वही लेने के लिए जा रहा हूँ। तो कौन आ गया रेयांश? साना आंटी। और कौन है आपके फ्रेंड? अजय भाई कीर्ति। वो रे नीचे आवाज लगाओ। अजय भैया कीर्ति कीर्ति लुक देयर इज हैपनिंग समथिंग देयर फायर देयर सी आ लुक देयर कीर्ति कीर्ति तो सुन ही नहीं रही है बात मेरी। He's coming up, बेटा। अब आपको टीथ में पेन तो नहीं हो रहा है? तो ये है हमारे फ्लोर के बच्चे और इन सब का टीथ का ट्रीटमेंट हुआ है। सी मिस्टर अजय, फ्रंट 2 टीथ्स आर गॉन। रांची, वेरी गुड। तो अब व्लॉग को समाप्त करने का समय आ गया है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ गो अहेड एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट एंड डू कमेंट डाउन बिलो एंड गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रोहित जैन इंदौरी। सी यू टाटा बाय बाय। गुड नाइट। बोलो सी यू टाटा बाय बाय। सी यू टाटा बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।